औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको अमल बताऊंगी, उससे पहले अगर आपको कोई परेशानी कोई मसला है तो जरूर अपनी बहन को याद करें इस्तखारा रूहानी इलाज के जरिए। इंशाल्लाह आपकी बहन आपको सपोर्ट करेगी। और दूसरा, अगर कोई ऐसा मसला है बहुत बड़ा जिसमें अमल की जरूरत पड़ती है कि मुझे आपके लिए अमल करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह मैं भी आपकी भरपूर मदद करूंगी। लेकिन उससे पहले इस्तखारा तो जरूरी है, अल्लाह से मशवरा, अल्लाह से पूछना जरूरी है। आज जो मैं अमल आपको बताऊंगी, उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस, एक दुआ जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मांगी और जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान को पाया और फिर इसकी मगफिरत ना हुई। तो वास्तव में तो बोला उस पर अल्लाह पाक माफ़ करे। अल्लाह पाक रमजान मुबारक के जितने भी मेरे सुनने वाले प्यारे बहन भाई हैं, रोजे रखते हैं, तो उनकी फरियाद दुआ कबूल करें, उनकी मुश्किल आसान करें। और जो आमीन कहे तो उसके लिए भी अल्लाह पाक जो रहमतें और बुलंदी अता फरमाए और आखिरत में उनको वसीला बनाए, उनके प्यारों को, उनकी जो आल औलाद है उसको सदका जारिया करें। आमीन सुमा आमीन। और अगर कोई मसला कोई परेशानी है तो अपनी इस बहन को जरूर याद करें। आज का वजीफा बहुत प्यारा, बहुत आला, बहुत लाजवाब। ये वजीफा या अमल जो मैं आपको बताने लगी हूं, ये मेरे अपने जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनका बताया हुआ ये वजीफा है और अमल भी है। किसी की मोहब्बत पाने के लिए, फरमा बरदार बनाने के लिए, जो बच्चे, जो माए बच्चों की ऐसे बहुत परेशान होती है घर में, वो बदतमीज होते हैं, ना फरमान हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वजीफा किया जा सकता है, अमल किया जा सकता है। घर में जो ससुराल में फैमिलीज में प्रॉब्लम हो जाती है, वो उनके लिए भी, अगर हस्बैंड वाइफ का मसला है तो उनके लिए भी ये वजीफा किया जा सकता है, या कोई रिश्तों का मसला है तो उसके लिए भी। रिश्तों का जब मसला हो, जब कोई, जो अमल मैं आपको बताने लगी हूं वो एक नमक है, उसके ऊपर आपने दम करना। अगर कोई प्यारा आपसे रूठ गया है, नाराज हो गया है, बहुत दूर है, मुल्क से बाहर भी है, तो वो भी जो है ये वजीफा, उसका तरीका मैं आज आपको समझाऊंगी। आपने नमक ले लेना है, नमक। अब आप कितना नमक लेंगे? आप एक चम्मच से दो चम्मच, पढ़ाई के लिए तो इतना ही काफी है, ठीक है। उसके ऊपर सूरह फातिहा आप पढ़ेंगे, ठीक है, कम अज कम 786, 990, 1011 मरतबा, ये तो 1100 मरतबा सूरह फातिहा जो अलहमदुल शरीफ है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 101 मरतबा जरूर पढ़े, पूरी एक तस्बीह जरूर पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। नमक अपने सामने रखें, बावजू होके नफल दो हाजत के पढ़ के तो अमल करें। अगर सफेद रंग का दुपट्टा हो तो बेहतर है, नमक के लिए सफेद रंग का बर्तन हो तो लाजवाब है। अमल का दिन जो है जुमे को मखसूस करें, अमल जवाल से मतलब के 15 मिनट पहले या जवाल के 15 मिनट बाद तेज धूप में ये अमल करें। अमल का जो मैं अब तरीका आपको बताने लगी हूं वो गौर से सुन लें कि अमल के ऊपर जो पढ़ाई है वो 1 से 3 दिन तक की है। अगर एक दिन मतलब कि कम मसला है तो फिर एक दिन, अगर ज्यादा मसला खराब है, ज्यादा बच्चे ना फरमाए या कोई ज्यादा ही कोई बड़ा मसला है मुसखर और तस्खीर का, फिर 3 दिन अमल जरूर करें। उसी नमक के ऊपर आपने पढ़ाई करनी है। नमक को सफेद अगर कागज में रख लें तो वो भी मोतबर है। पास अगरबत्ती का इस्तेमाल करें, कच्चा अदरक लहसुन प्याज ना खाया हो। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि आपने मसवाक जरूर करनी है, ठीक है। अगर मसवाक नहीं तो ब्रश जरूर लाजमी है, ताकि किसी किस्म की महक चाहे मुंह मुबारक से ना आए, ठीक है, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और मुझे अमल का जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि टाइम निकाल के आपके साथ अमल में आपके लिए दुआ भी करूं और पढ़ाई भी करूं और इस्तखारा भी करके आपको अमल की जो छोटी छोटी बातें वो भी समझा सकूं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर जो मदरसे का है, ठीक है, वहां पर हमें ज्वाइन करिए। फेसबुक के पेज को लाइक करके आप हमें जो है उसके अकाउंट में भी ऐड हो सकते हैं और हमारे मैसेंजर पे भी ऐड हो सकते हैं। मैसेंजर पे ये है कि मैं आपसे खुद रابطہ करती हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर 2,
अब आपने जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ जो रिश्तों के लिए है, जब कोई रिश्ता देखने आए या कहीं बात आपने चलाई हो या उनका कोई घर का फर्द आपकी तरफ आए तो उसको वो नमक, या शख्स आए तो उसको वो नमक आपने किसी चीज में, खाने में, नमकीन चीज में, चाय में, शरबत में, बस जरा चुटकी पिला दें, वो उसका भी कमाल देखें। नंबर दो, कोई प्यारा आपसे बहुत दूर है, बहुत नाराज है, पानी का एक गिलास लें, नमक डाल के अच्छी तरह उसके अंदर घोल के रख दें। जितना आप उसको हिलाएंगे, उसी ऊंची जगह रख दें, जितनी देर वो पानी, नमक जो है पानी में रहेगा, उसको आप हिलाएंगे उतनी ही उसको बेचैनी, बेकरारी होना शुरू हो जाएगी। नंबर तीन, जिनके बच्चे नाफरमान हैं, जिनके ससुराल में मसला है, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी का मसला है, तो वो खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं, पीने की चीजों में इस्तेमाल उस नमक को कर, घर के पूरे मतलब के नमक वाले डब्बे के अंदर थोड़ा सा नमक बस डाल दें, ये इतना मोतबर होता है। तो आप एक दफा करके देखिए और इसके फिर कमाल एक ही दिन में वाजिया नजर आने लग जाते हैं। 3 दिन में तो आप पढ़ाई मुकम्मल करते हैं ना, ठीक है ना? तो अगर आप पहले दिन से इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंशाल्लाह बहुत ताकत, बहुत जबरदस्त अमल है। इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। एक मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ लेकिन वो अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, जजाकल्लाह खैर।